भोपाल सागर में इस पखवाड़े में घटी चोरी की दूसरी बड़ी वारदात। पहली चोरी 17 जुलाई को अनाज व्यवसायी के घर दिन दहाड़े चोरी की गुत्थी सुलझी नहीं थी और अब चोरों ने कस्बे के आबादी क्षेत्र में बने विद्युत विभाग के कार्यालय परिसर से रात्रि में ट्रांसफार्मर चोरी की घटना ने आम लोगों में दहशत फैला दी है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा ने बताया कि गत रात्रि में विद्युत कार्यालय परिसर में फील्ड से लाए गए सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर रखे गए थे जो अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर ऑयल एवं तांबे धातु की कोयले ले गए हैं। रात्रि में दो विभागीय कर्मचारी एवं दो आपातकालीन सेवा के कर्मचारी तैनात थे, फिर भी अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्यालय के पीछे से दीवार फांदकर आए अज्ञात लोगों ने अपना कार्य करके वे चले गए। थाने से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने चोरी के मामले में संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात्रि में तैनात विद्युत कर्मियों से पूछताछ की जा रही है जिसमें विभाग के कर्मचारियों के नाम रिपोर्ट में बताए गए हैं जो चोरी की वारदात के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। इनमें लाइनमैन, सुरक्षा गार्ड वहीं आपातकालीन सेवा टीम के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। भोपाल सागर से घनश्याम विजयवर्गीय की एक खास रिपोर्ट। क्या है मामला बताइए सर। कल मेरे को दिनांक को सूचना दी हमारे स्टोर कीपर इंद्र सिंह जी द्वारा कि हमारे जो ट्रांसफार्मर आए हुए थे चार जीएसएस से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रात्रि को ऑयल और कोयल चोरी कर ली गई। उस दौरान ड्यूटी के अपने जीएसएस कर्मचारी उदयलाल था और चौकीदार शिवलाल जाट था, उनके भी हमने स्टेटमेंट लिए हैं। वो क्या कर रहे थे क्या नहीं थे उसकी जांच चल रही है।